अगेन वेलकम गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। 15 15 मिनट का ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग को भी बोरिंग फील नहीं होगा और जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है समझाने में। चलो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे? स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड आ जाओ। स्लाइम मोल्ड देखो, स्लाइम मोल्ड ये जो है, मैंने बोला था ना, ये जो है ये भाई इसी का सबका भाई है ना, सब यूकेरियट्स है। तो स्लाइम मोल्ड किसकी तरह से? ये तो दोनों, ये दोनों से मिल रहा था, प्लांट से भी और एनिमल से भी, है ना? दोनों से ये अपना रिलेशन रखा था। ये नहीं, ये बोलता है भाई प्लांट एनिमल से नहीं, मैं केवल फंजाई से मिलूंगा। ये फंजाई जैसा है, फंजाई भी सेप्रोफिटिक है, मोस्टली सेप्रोफिटिक, वो पारासिटिक भी होता है फंजाई, इसलिए स्लाइम मोल्ड भी देखो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है ना? ये देखो अंदर सुटेबल कंडीशन में ये जो है प्लाज्मोडियम बनाता है ना, मे ग्रो स्पीड ओवर सेवरल फीट। सुटेबल कंडीशन ये एग्जाम में पूछता है, फेवरेबल अनफेवरेबल दे देगा, है ना? सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है और ऐसे ऐसे अब्सेंट होता है स्लाइम मोल्ड में, ऐसे सिल्वाल अब्सेंट होता है। बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम आर डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है ना, फ्रूटिंग बॉडीज। तो उसमें जो होता है वो बियरिंग स्पोर एट द टिप एंड द स्पोर पोजिट ट्रू बार, है ना? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और उसके टिप पे जो होता है स्पोर होता है, स्पोर में ट्रू वाल होता है। ऐसे ऐसे सिंपली जो है नहीं होता है, ठीक है? ये थोड़ा सा क्लीन करके दिखा दूं, है ना? स्पोर पोजिट ट्रू वाल, स्पोर के पास ट्रू वाल होता है, याद रखना, पूछा गया है क्वेश्चन। स्पोर किससे फैलता है? ये भी एयर, एयर मीडियम के द्वारा इसका स्पोर डिस्पर्स होता है, प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन मैंने बोला था ना कि सब जो है सब अलग अलग से, प्रोटोजोअन भाईचारा केवल एनिमल किंगडम से निभा रहा है। प्रोटोजोअन आर हेटरोट्रॉप होता है, लिविंग एज अ प्रीडेटर और पारासाइट, प्रीडेटर और पारासाइट होता है। प्रिमिटिव टू रिलेटिव एनिमल्स, इसे प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स समझा जाता है, कि मतलब पहले का एनिमल से थोड़ा सा पहले का ये है प्रोटोजोअन। ये चार भाग में है, अमीबॉयड है, फ्लैजिलेटेड है, सिलिएटेड है एंड स्पोरोजॉयड है। यहाँ पे देखो अमीबॉयड नीचे पढ़ेंगे, फ्लैजिलेटेड सिलिएटेड, इसका एग्जांपल दो है अमीबा एंड एंट अमीबा, है ना? और कैसे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को फॉस्फेट पूछा, ये पूछा जा चुका है, स्यूडो एज इन अमीबा। और मेराइन फॉर्म जो होता है उसे फॉर्म है सिल्का सेल ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच है अमीबा एंड पैरासाइट्स, एंट अमीबा एंड पैरासाइट। अब फ्लैजिलेटेड में आते हैं, फ्लैजिलेटेड दे है फ्लैजला, इसके पास फ्लैजला होता है, एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसीमा, ट्रिप्नोसीमा इससे स्लीपिंग सिकनेस होता है, ट्रिप्नोसीमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसीमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसीमा जीनस है, गैम्बियंस स्पेसीज है, ट्रिप्नोसीमा गैम्बियंस से स्लीपिंग सिकनेस होता है। कैरियर कौन सा है? पूछा जा चुका है, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई कैरियर होता है, टीएसई, इसको 2 टाइम्स लिख लेना, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई। सिलिएटेड प्रोटोजोअन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 3 टर्म दे रखा है। ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया और दे हैव अ कैविटी, उसे क्या बोलते हैं, दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन फॉर टू द आउटसाइड द सेल सरफेस, ये पूछा जा सकता है भाई, इसीलिए मैं बोला ये थोड़ा सा। और एक्टिवली मूविंग है, पैसिवली नहीं, पैसिवली कौन फ्लोट था ऐसे याद रखना, फर्स्ट मेंबर क्राइसोफाइट्स पैसिवली मूव था, इसीलिए प्लैंकटन टर्म आया था, ये एक्टिवली मूविंग है ना, इस वजह से एक्टिवली मूविंग है ये, वो पैसिवली मूव कर रहा था क्राइसोफाइट्स। स्पोरोजोआ, अरे मोस्ट नोट्रोसियस प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया उलेरिया सब होता है, इसी का मेंबर है प्लाज्मोडियम। ह्यूमन पेपरिस पर स्टेगर्ड इफेक्ट डालता है, बहुत ज्यादा तगड़ा मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है इसी फैमिली का मेंबर है। अब आ जाओ फंजाई पे, जितना पूछो कम है, फंजाई से हमेशा क्वेश्चन बना है। हे यहाँ पे आ जाओ, इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ा था? ग्रेट डाइवर्सिटी किसमें था? उसके न्यूट्रिशन में, इसका मार्फोलॉजी और हैबिटेट में है, जहां जहां वो रह सकता है, कॉस्मोपोलिटन, वो भी कॉस्मोपोलिटन है, लेकिन ये ज्यादा कॉस्मोपोलिटन है। कॉस्मोपोलिटन मीन्स हु लिव एवरीवेयर, लाइक ऑन लैंड एवरीवेयर, आइस फायर एवरीवेयर, मतलब समझ सकते हो एवरीवेयर का मतलब कहीं पर भी रहता है। तो इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी इसके मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में पाया जाता है,
और उसका क्या था, डाइवर्सिटी में व्हाइट स्पॉट जो आप मस्टर्ड पे देखते हो वो भी फंगस के कारण है। फंजा मल्टी सेलर होता है लेकिन एक्सेप्शन है ईस्ट, पूछा जा चुका है, पूछेगा भी, हॉटस्पॉट है ईस्ट। एक ऐसा फंजा है जो यूनिसेलर होता है ईस्ट के कहाँ कहाँ, मेकिंग ब्रेड और बियर, ब्रेड और बियर, बीबी याद रखना, बीबी में ब्रेड एंड बियर में है ना। व्हाइट रस्ट पक्सिनिया, इसी पे केसी मेहता काम किए थे, व्हाइट रस्ट काउच पक्सिनिया है ना। व्हाइट रस्ट किसके होता है, पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रामनी ट्रीट की इसका पूरा नाम है। एंटीबायोटिक्स किसे, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है ना, ये भी पूछा जा चुका है भाई। अगर जो है डीप मतलब वार्म और ह्यूमिड प्लेस, फंजाई कहाँ, ये पूछा जा चुका है। फंजाई जो है कहाँ पे ग्रो करना प्रीफर करता है, कहाँ पे, वार्म और ह्यूमिड, याद रखो वार्म और ह्यूमिड। इसका एग्जांपल देखो, सर में देखते हो वो व्हाइट व्हाइट आ जाता है स्काल्प पे, वो फंजाई होता है, वार्म भी है और ह्यूमिड भी होता है, गर्म भी होता है ह्यूमिड भी होता है। ह्यूमिड मतलब ह्यूमिफिकेशन, वहां पे हल्का हल्का वाटर का प्रेजेंस होता है, तो वैसी जगह पे बैक्टीरिया, दाद दाद खुजली होता है ना, बैक्टीरिया पढ़ते हुए नहीं हो, यहाँ पे कैरम खेलते हुए वो ऐड देता था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहां पर भी नमी रहेगा है, इवन थाई के पास, वहां पे ये ग्रो करेगा वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे। ठीक है, हवा जाओ, ये अभी पढ़े थे ना, विथ एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, फंजाई मल्टी सेलर होता है, फिलामेंटस होता है, ये याद रखना। बॉडीज आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, और बहुत सारा हाइफी मिल करके नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसिलियम बनाता है, जैसे बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं वैसे बहुत सारे हाइफी मिल करके माइसिलियम बनाते हैं। सम हाइफी जो है कंटिन्यूअस जो होता है एक दूसरे से जुड़ करके और अपना सेल वॉल जो है डिजोल्व कर लेता है, ट्यूब जैसा बना देता है, 10-20 हाइफा मिल गया और ट्यूब लाइक बना दिया और सब सेल वॉल जो है अपना सेल वॉल हटा लेता है, सब एक दूसरा से सेल वॉल जो है हटा लेगा, तो बीच से सेल वॉल डिजोल्व हो जाता है तो सबके न्यूक्लियस एक साथ आ जाते हैं, तो वैसे वैसा हाइफा को क्या बोलते हैं, सिनोसेटिक। जैसे देखो ये बहुत सारे हाइफा हैं, बहुत सारे हाइफा हैं, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और ये क्या किया आपस में जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया है ना, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया ट्यूब लाइक। अब क्या कि ये बीच से सेल वॉल डिजोल्व कर दिया, यानी कि सेल वॉल डिजोल्व कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा और सब में न्यूक्लियस होता है भाई, मैंने छोड़ दिया आप याद रखना, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस, सब में न्यूक्लियस था एक एक। अब क्या हुआ, सेल वॉल डिजोल्व हो गया तो एक साथ न्यूक्लियस आ गया ना, मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन हो गया ना, तो ऐसे को सिनोसिटिक बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफा। ठीक है, ये पाया था इसका सेल वॉल, अभी पढ़े थे ना वो वाले टेबल में, काइटिन और पॉलीसेक्राइड का बना होता है, फंजाई जो होता है हेटरोट्रॉफिक होता है, एब्जॉर्ब सोल्युबल ऑर्गेनिक फॉर्म एंड डेड सब्सटेंस, उसे सेप्रोफाइट बोलते हैं, सेप्रोफाइट का ये चुपचाप डिफिनेशन दे रखा है, ध्यान देते तो लेना माइक्रो। ये देखो भाई साहब कितनी बार पूछूं, किस कौन से एग्जाम का एग्जाम्पल बताऊं, किसमें नहीं आया ये बताओ। सिम्बायंट एसोसिएशन विद लाइकान विथ रूट ऑफ आयरन, माइकोराजा, माइकोराजा का एग्जाम्पल कौन है, पाइनस, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भूल गया था, वहां पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का, साइकस, पाइनस का भाई साइकस के साथ, वहां पे जो होता है रूट ऑफ फायर प्लांट, ठीक है वहां पे बनाता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप, वहां पे बनाता है ये पाइनस है, पाइनस में माइकोराजेबा फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आगे के चैप्टर पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में, पाइनस जो है पाइनस माइकोराजा हेल्प करता है पाइनस को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में। अब आज वेजिटेटिव मीन्स अभी बोल रहे थे ना, जहां जहां वेजिटेटिव मीन्स से किस में होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, फीसन से होगा, बडिंग से होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से, जहां पे स्पोर आ जाएगा, कोनिडिया भाई कोनिडिया, अभी देखोगे जहां जहां भी इसके चार फैमिली में चार क्लास में बांटा गया है, हर किसी में कोनिडिया से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, स्पोरेंजियो स्पोर है और जू स्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊ स्पोर से होता है, एस्को स्पोर से होता है, बैसिडियो स्पोर से होता है, एस्कोमाइसिट्स में एस्कोस्पोर से, बेसिडियोमाइसिट्स में बेसिडियोस्पोर से, और थाइकोमाइसिट्स में उस्पोर से, और ड्यूट्रोमाइसिट्स में भाई ड्यूट्रोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, ड्यूट्रोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, प्राइम क्वेश्चन है ड्यूट्रोमाइसिट्स का, वो किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से क्लास में अब्सेंट होता है, तो उसका आंसर क्या होगा ड्यूट्रोमाइसिट्स। अब देखो सेक्सुअल साइकिल जो रहता है चार तीन स्टेप में होता है उसका,
प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, मियोसिस डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम है ना, और क्रोमोजोम बहुत हार्ड करेक्ट। ठीक है तो याद रख लेना पीकेएम अभी आया था ना चर्चा में, ये सीक्वेंस पीकेएम के भी समझ में आ गया होगा, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना पीकेएम की भी सुन के, पाकिस्तान आगे आगे समझ जाए ना, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा स्टडी चैनल जो मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन समझ जाओ याद रहेगा पी फोर प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी एम फोर मियोसिस है ना, ये सीक्वेंस है, पहले प्लाज्मोगैमी होगा फिर कैरियोगैमी होगा फिर मियोसिस होगा। अब देखो यहाँ पे है, अभी बताया ना सबका हैप्लॉयड हैप्लॉयड होता है, यहाँ पे जो होता है डायक्रियन फेज पाया जाता है कि तुरंत जो होता है संपन्न जाए जो होता है डिप्लॉयड बनाएगा, तुरंत आकर के एन और एन मिल करके डिप्लॉयड बना लेगा, लेकिन इसमें एस्कोमाइसिट बैसिडियोमाइसिट में ऐसा नहीं होता है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड आएगा न्यूक्लियाई लेकिन थोड़ा सा रेस्ट फेज में रह जाएगा, एक दूसरे के साथ तुरंत अटैच नहीं होगा, वो डायक्रियन बोलते हैं उसे, डायक्रियन फेज पाया जाता है, वो फंगस दो ही फैमिली पाया जाता है एस्कोमाइसिट और बैसिडियोमाइसिट में। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम वेरियस क्लासेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन वो सब के बेसिस पे जो है बांटा गया है, कितने मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी ये तीन लिख ही ले देते हैं भाई, तो बोलोगे भाई क्या बोल रहा है टीचर, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड थर्ड है फ्रूटिंग बॉडी, ये तीन के बेसिस पे जो है डिवीजन ऑफ किंगडम किया गया है इसका क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में फाइकोमाइसिस एस्कोमाइसिट एंड बेसिडियोमाइसिस। फाइकोमाइसिस में याद रखना सबका माइसिलियम याद रखना, ये दोनों का एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, बाकी वो सबका सेप्टेट होता है, वो सबका सेप्टेट होता है, इसका एसेप्टेट होता है ठीक है, और सिनोसिटिक एसेप्टेट रहेगा मतलब सेप्टा अब्सेंट होगा, जब चार सेल मिल जाएंगे सेप्टा मतलब सेप्टा मीन दीवार, दीवार स्वयं हो जाएगा तो सिनोसिटिक कंडीशन तो आएगा ही भाई, जब एसेप्टेट रहेगा सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके किसके थ्रू होता है, जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर, ये याद रखना पूछेगा कौन मोटाइल कौन नॉन मोटाइल है, जूस्पोर मोटाइल होता है ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, और ये भी याद रखना इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाएगा इंडोजेनियसली, ऐसे अल्टरनेट में याद रखना इंडोजेनियसली फाइकोमाइसिट में इंडोजेनियसली है, एस्कोमाइसिट में उसका क्वानिडिया एक्सोजेनियसली होता है लेकिन एस्को का इंडोजीनियसली होता है, फिर बैसिडियोमाइसिट में बैसिडियो का एक्सोजीनियसली हो जाएगा है ना, तो अल्टरनेट में याद रखना ठीक है। ये अगर इंडोजीनियसली है इसमें स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्पोरेंजियम में इंडोजीनियसली हो रहा है फाइकोमाइसिट्स में, इसका याद रखना। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल इंपोर्टेंट है फंजाई में, किसका कौन सा मेंबर है, राम, राम भगवान को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, राम आर फोर राइजोपस, ए फोर एल्ब्यूगो, एम फोर अरे नीचे दे रखा मास्टर म्यूक ऊपर दे रखा, एम फोर म्यूक ए फोर एल्ब्यूगो आर फोर राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं है ना, ब्रेड मोल्ड अलग चीज है जो ब्रेड को इन्फेक्ट करेगा, और ब्रेड ईस्ट से ब्रेड और बियर बनता है सेक्रोमाइसिस सेरेब्रासिस से, पीछे बताएं वो अलग चीज है, ऐसा ना ईस्ट ऑप्शन मिलेगा ईस्ट मार देना ब्रेड फट जाए, ब्रेड मोल्ड जो है उसे राइजोपस को बोलते हैं, एल्ब्यूगो फंजाई जो है मस्टर्ड पे, पक्सिनिया किस पे था, वीट पे था ठीक है, राम राम से याद रखना इसका एग्जांपल। एस्कोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स को कितने क्या बोलूं इंपॉर्टेंट है, सैक फंजाई पूछेगा किसको बोलते हैं, सैक फंजाई एस्कोमाइसिस को, एस्कोमाइसिस आर यूनिसेलुलर, एस्कोमाइसिस का मतलब सदस्य यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट बताया था ना यही एक है सैक्रोमाइसिस मतलब सैक्रोमाइसिस ईस्ट जो यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर का बहुत सारे सब मल्टीसेलुलर होगा एक्सेप्ट ये कहाँ कहाँ कैसा कैसा होता है, सेप्रोपेटिक होता है, डिकम्पोज होता है, पैरासिटिक कोप्रोफिलस होता है, यहाँ पे ये टर्म है इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग ऑन द कोप्रोलॉजी स्टडी ऑफ डंग है ना, तो कोप्रो जहाँ पर भी आएगा उसका मीन्स ही होता है डंग है ना, कोप्रोफिलस होता है एस्कोमाइसिट्स, अभी बताया था ना उसका क्या था एसेप्टेट और सिनोसिटिक था, इसका माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेट रहेगा, ब्रांच और सेप्टेट रहेगा उसका ब्रांच रहेगा, एसेक्सुअल स्पोर कनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, और उसका कैसा था इंडोजीनियसली स्पोर था, मैंने बताया अल्टरनेट याद में रखना फाइकोमाइसिट में इंडोजीनियसली, और इसमें दो एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया जो एक्सोजीनियसली है, फिर एस्को स्पोर जो है वो इंडोजीनियसली है, कोनिडिया जर्मिनेट और माइसिलियम प्लस
देखो सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोकार्प विच प्रोड्यूस इंडोजीनियसली, एक्सो इंडो में बहुत